योर विजन योर वॉइस। नमस्कार श्रोताओं, आप जानते हैं कि ये आजादी का 75th ईयर है और इसके तहत देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम अनवरत हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। तो बस आज हमारे साथ हैं देश बंधु कॉलेज के स्टूडेंट्स और बातें होंगी नए भारत की, द न्यू इंडिया, द न्यू विजन। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका मतलब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आप सब कौन है आज। ये तो मैंने बता दिया कि देश बंधु कॉलेज के स्टूडेंट्स है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सबको, मेरा नाम है वैभव सलारिया और मैं अभी देशबंधु कॉलेज दूसरे ईयर में बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में है, इसलिए मैंने अपने सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड ही ज्वाइन करी और मैं उसका पीआर हेड भी हूँ। बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम जॉय गांधी है, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मेरे इंटरेस्ट में आती है रीडिंग। मैं बचपन से ही किताबें बहुत पढ़ता हूँ। और कैसी किताबें पढ़ते हो? नॉन फिक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। बहुत बढ़िया, पर्सनल डेवलपमेंट, ओके, इसके बारे में हम बातें करेंगे। आप अपना परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है शिवानी कुमारी, मैं सेकेंड ईयर की छात्रा बीए प्रोग्राम की हूँ। मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग की तरफ है, इसलिए मैं कॉलेज सोसाइटी की NSS और ई सेल में भी डिजाइन करती हूँ। और आपका परिचय? नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमीशा है, मैं देशबंधु कॉलेज के थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं BSc लाइफ साइंसेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा इंटरेस्ट डांसिंग में है, तो इसीलिए मैंने अपने कॉलेज में डांस सोसाइटी को ज्वाइन किया है, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। इसके अलावा मैंने वुमेन डेवलपमेंट सेल भी अपने कॉलेज का ज्वाइन कर रखा है, जिसकी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अमीशा, आपने वुमेन डेवलपमेंट सेक्शन है वो भी ज्वाइन कर रखा, बहुत बढ़िया। सो इज इट फर्स्ट टाइम टू द प्रेमिसेस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? मैंने अपना परिचय आप लोगों से नहीं कराया, मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों से मिलने में और आप लोगों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं रोज अपना नाम बताती रहती हूँ लेकिन आज भूल गई। मैं हूँ आपके साथ राजश्री और चलो हम अपनी बातें शुरू करेंगे। सबको पता है ना आज हम बातें करने वाले हैं किस पे? न्यू इंडिया। यस, तो उससे पहले गाना सुन लेते हैं। अच्छा, किसकी पसंद का गाना और कौन क्या सुनना चाहता है, जल्दी से बता दो। हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम कोई मोटिवेशन गाना सुन सकते हैं। कर हर मैदान फतेह, क्या बात, संजू है? संजू, चलो ये गाना सुनते हैं। पिघला दे जंजीरे, बना उनकी शमशीर, कर हर कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, शमशीरों से ही हो।
बहुत खूबसूरत गाना था ये, कर हर मैदान फतेह, और युवा ऐसा कर सकते हैं आप सब ये जानते होंगे, है ना। तो ये बताओ कि जो हम आज बातें करने जा रहे हैं नए भारत की, नए भारत का क्या विजन है आपका? सबसे पहले हम अमीशा आपसे शुरू करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हमने अपने इंडिया में काफ़ी सारे बदलाव लाए हैं। पहले के कंपेरिजन में अगर हम अब देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे माइंडसेट भी लोगों का चेंज हुआ है, लेकिन हमने अभी तक वो लेवल अचीव नहीं किया जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। वो लेवल है, जैसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप को लेंगे, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, हम कहीं भी देख सकते हैं। अगर हम अपने घर से ही शुरू करें, हमने घर में देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, फीमेल्स जो हैं वो घर में काम करेंगी, घर संभालेंगी, किचन का काम करेंगी, और जो सबके पापा हैं वो बाहर जाके जॉब करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो मदर्स हैं वो बाहर जाके जॉब तो कर रही हैं लेकिन घर पे आके भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी ने बना रखा है कि फीमेल्स जो हैं वो घर का काम करेंगी, इवन अगर वो बाहर जा रही हैं तो भी, लेकिन मेल्स घर का काम नहीं कर सकते। इससे सो कॉल्ड उनकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है। इसके अलावा लेकिन ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं करना चाहिए। तो आप ये बताओ कि जो अमीशा कह रही है, यू अग्री टू दैट? जरूर मैं उनसे एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो उसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं, एक माइंडसेट और एक लोगों के विकास के प्रति भी देखना पड़ेगा। जैसा अमीशा ने कहा कि जेंडर स्टीरियोटाइप हटाना चाहिए एंड लोगों को उत्साहित और जागरूक करना चाहिए कि आगे बढ़े और दूसरों जेंडर्स लाइक फीमेल एंड ऑल्सो द ट्रांसजेंडर ऑल्सो एंड द अदर LGBTQ कम्युनिटी, उनको भी आगे बढ़ावा देना चाहिए। शिवानी आप क्या कहती हैं? मैं दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें अगर आगे बढ़ना है तो कोई एक पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलना होगा, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको इक्वली ट्रीट करना होगा। तुम लोग क्या सोचते हो, वो विजन क्या सोच है कि फैमिली में वो क्या स्टेप्स होंगे, सोचा है इस पे? मे बी बचपन से ही हम उन्हें सिखाएं सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है। अगर वो हस्बैंड है तो वो घर के काम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हम उन्हें बचपन से सिखाएंगे तो मे बी कुछ चेंजेस आ सके। जॉय, मैं ये सोचता हूँ, मेरे घर में मेरी छोटी बहन है और वो हर बार हर इनिशिएटिव में सबसे आगे बढ़ चढ़ के आती है कि अगर भैया ये काम कर रहे हैं तो मैं ये काम क्यों नहीं करूँ। सो स्वीट। और हम सब घर वाले उसे उतना ही अप्रिशिएट करते हैं, चाहे उसकी कोई पेंटिंग से रिलेटेड हॉबी हो तो उसको हमारी तरफ से सारा सपोर्ट रहता है, चाहे वो टाइम हो, स्पेस हो या टाइम मैनेजमेंट हो, सब उसको हमारी तरफ से हेल्प करी जाती है कि हम अपने घर से एक जेंडर इक्वालिटी बना के चलें। अच्छा वैभव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कर रहे हैं, तो नए भारत के विजन में व्हेन यू ग्रो अप, तो एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट डू यू थिंक? हमारे देश ने टैलेंट देश में ही रिटेन करने के लिए अभी से शुरुआत कर दिया। उन्होंने काफी प्लेटफॉर्म लाइक स्टार्टअप इंडिया भी स्टार्ट किया है, जिसमें वो लॉ से रिलेटेड और फंडिंग से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी की, अभी रिसेंटली न्यूज में फाल्गुनी नायर जी इंडिया की फर्स्ट बिलियनर फीमेल बिलियनर बनी, सेल्फ मेड बिलियनर बनी। उन्होंने अपनी 49 एज में अपनी कंपनी खोली और उसके 8 से 10 साल बाद वो बिलियनर बनी। ये नया भारत है जिसमें महिलाएं भी चेंज हो रही है और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप में से किसी को लिटरेचर में शौक है, साहित्य में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, किताबें नहीं पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो ना जॉय? यू रीड बुक्स? मैं नॉन फिक्शन ही पढ़ता हूं, साहित्य सिर्फ उतना जितना स्कूल या कॉलेज ने पढ़ा है। अच्छा, ओके, साहित्य में किसी की रुचि नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिल्में भी देखते होंगे, कई बार फिल्में भी जो है वो बहुत अच्छी किताब से स्टोरी लेकर के बनाई जाती है ना। युवा शक्ति जो है वो देश का भविष्य है, आप लोग कल के कर्णधार हो। तो आप बताओ जॉय कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो, then what do you think from your end, what kind of change can you bring to the society first, then it comes automatically to the nation? मेरे हिसाब से अगर change लाना है तो हमें बहुत ही basic ground level से लाना चाहिए, क्योंकि हम as a society change करने से पहले as a person change हो सकते हैं। Absolutely।
तो अगर हम अपने घर से ही बहुत माइनर चीज़ों पे भी वर्क करना शुरू करें तो उसका इफेक्ट हमें धीरे धीरे आगे अपनी सोसाइटी में, देन पूरे कंट्री में और देन पूरे वर्ल्ड में भी दिखेगा। आप क्या सोचती हैं शिवानी? मैं जॉय की बात से पूरी सहमत हूँ। कोई भी चेंज पहले हमारे घर से आना चाहिए। अगर हम अपने घर के सदस्यों के साथ ऐसे मिलजुल कर और आपस में डिस्कस करके रहें, हर चीज़ों का सलूशन हम साथ में निकालें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत आएगी। और अमीशा, आपने बताया था कि आप अपने कॉलेज के विमेन डेवलपमेंट विंग के साथ जुड़ी हुई, क्या करती हैं उसमें? हम उस सोसाइटी में जैसे जो वेबिनार्स अरेंज कर सकते हैं हम, जिसमें हम गेस्ट को बुलाते हैं, लाइक जो भी हमने एक वेबिनार किया था जिसमें हमने दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के DSP को बुलाया था। उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो क्या उन्होंने किया, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो उस सब चीज़ों से ये होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो कॉलेज के और स्टूडेंट्स हैं जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब इन्होंने सेक्रीफाइस देके इतना कुछ किया है तो हम छोटे से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हम वुमेन डेवलपमेंट सेल से लोगों को मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं हम लोग फिर, और आप में से किसकी पसंद का गाना, अगला गाना? कोई गाता नहीं है मुझे कहा, हम लोग गाते नहीं है। गाना कैसे नहीं गाते हो? मस्ती में गाना तो जरूर गाते होगे, नहीं? लेकिन ग्रुप सॉन्ग तो गा ही सकते हैं। कौन सा गाना सुना रहे, जल्दी से पूरे एंथुजियाज्म के साथ गा। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा, आया एक ख्याल है, आहा, बातें हमें जिंदगी एक बार, क्यों ना करे बोलते हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही जो थी कल तक बस कार जू, पा गए हैं मैं और तू, थामे हम हाथों में यूं ही हाथ, शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ, सारे सारे दिन सारी सारी रात, बरस रही है एक खुशी हर कहीं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। चलती हो झूम के, चलती हो वो है जिंदगी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। So
सूरज की कितने है सांसों में बातों में रोशनी सूरज की भी कितने है सांसों में बातों में रोशनी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट योर विजन योर वॉइस। मुझे तो गाना से ज्यादा तुम लोगों के अंदर वो जोश अच्छा लगा और इंतुजियाज्म अच्छा लगा, तो उसी इंतुजियाज्म को आगे बढ़ाते हैं और वैभव आपसे जानना चाहेंगे प्रेम कि न्यू इंडिया का विजन आपकी नजर में और क्या है। न्यू इंडिया का विजन मेरे अकॉर्डिंग अब भारत ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बढ़ रहा है। वह उसने अभी रिसेंटली ग्लासगो क्लाइमेट समिट में भी ये कहा है कि वह अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे अभी रिसेंटली आ रहे हैं वो भारत में काफ़ी यूनिट सेटअप हुए हैं, इंडियन स्टार्टअप्स इसके प्रति काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब अपना रहे हैं और फ्यूचर में इसी के कारण बहुत कम पॉल्यूशन होगा और इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, और हमें जिस वक्त जो हमारे देश में लोग ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको बिल्कुल आपने ये बता दिया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि उस वक्त और भी जो वाहन है चल रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकल हो जाएगा और हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे, है ना मीशा? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात। और आप बताएं जॉय, Your vision of New India? मेरा विजन ये है कि हमें स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने अपने गोल्स सेट करे हैं हमें वो चेंज करने होंगे। हम अब भी विश्व के दूसरे जो सबसे बड़ी जन आबादी है, हमारे पास सबसे पॉपुलेशन युवा शक्ति है। What do you say, शिवानी? मेरे अकॉर्डिंग न्यू इंडिया यानी एक खुशनुमा और सक्षत नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के देशों के लिए एक आदर्श हो और ये नया भारत सबके लिए प्रेरणापद हो। इस नए भारत में सभी निवासी सक्षर होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ और सबल होंगे। और ये बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी जिस क्षेत्र में आप आना चाहते हैं और उस क्षेत्र में होते हुए आपका क्या योगदान होगा एज अ नागरिक? मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे जाना चाहती हूँ। तो हो गई ना बात, तुम सरकारी नौकरी में आना चाहती हो, तो कौन से पद पे, कौन से बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे चेंज आए हैं, ये भी परिवर्तन क्या का ही एक दृश्य है जो हम देखते हैं बैंकों में। पहले वो लोग बड़े बड़े रजिस्टर्स खोलते थे, लाइनें होती थी और आप इंतजार कर रहे होते थे, अब लोग आप तक पहुंचते हैं, है ना, आपके डोर टू डोर सर्विसेज हो गई हैं। दीज आर द चेंजेस, नए भारत की फेजेस है ये, है ना? आप क्या कहोगे? इनकी बात से भी एग्री करती हूँ, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो वो भी मेरा मोटिव उसको भी ज्वाइन करने का यही है कि मैं नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकूं, कुछ नेशन के लिए कर सकूं। ये हुई ना बात? यस मैम। नेशन बिल्डिंग में आप उस पोजीशन में होते हैं कि आपके तहत बहुत सारी आपके पास जिम्मेदारी होती है, कभी इसके बारे में कुछ सोचा है कि हाँ यू वॉन्ट टू बी अ सिविल सर्वेंट, फाइन, तो मैं जब सिविल सर्वेंट बनूंगी तो मैं जिस जगह पे जाऊंगी, जहां भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं सबसे पहले क्या करूंगी? सबसे पहले मैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान दूंगी, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोग एजुकेटेड बुनियाद होती है वो, exactly, अगर एजुकेटेड होंगे तो उनका माइंड सेट हम चेंज कर पाएंगे। अगर हम स्कूल्स में भी मॉरल एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करें, उसको सब्जेक्टिव ना रखें, उसको प्रैक्टिकल वे में रखें, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सब्जेक्टिव ना रखें प्रैक्टिकल, तो इसको कैसे करोगी? जैसे तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि बुक्स ना लगा करके कुछ ऐसी क्लासेस हो, जैसे अगर हम जैसे एक नॉर्मल विलेज का कोई स्कूल है, अगर हम उसमें गांव के कुछ बूढ़े लोगों को लाएं, उनके साथ उनका बिहेवियर चेक करें, कुछ उनको सिखाएं कि इस तरीके का बिहेवियर रखना है, या हम उनको एक आर्टिफिशियल चीज़, आर्टिफिशियल एक सेटअप बना दें। जैसे अगर हम बस की बात करें कि बस में अगर आप बैठे हो तो आपको किसे सीट देनी चाहिए, आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको किस तरीके से लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो इससे आई थिंक माइंड सेट उनका बहुत चेंज होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे तो वो बहुत बेनिफिट देगा। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब कि स्कूल लेवल से, बिल्कुल, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं और वहाँ से अगर हम उनकी मानसिकता में परिवर्तन करने की कोशिश करें तो वो जब बड़े होते जाएंगे तो वो जिस तरह का समाज हम चाहते हैं, जिस तरह का समाज हम सोचते हैं, जिसकी हमारी कल्पना है, वो ज़रूर संभव हो पाएगा। और वैभव, आपने बताया, हम इस पर बातें कर रहे थे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, तो क्या सोचते हो कि कुछ
कैसे स्टार्टअप कैसे करोगे, ये बताओ कि जब स्टार्टअप करोगे ना तो उससे क्या होता है कि आप काम शुरू करते हैं और कई लोगों को आप रोजगार भी देते हैं। यस, सो मेरा यही काम है कि अगर एक मैं सोशल कॉज के तरफ भी वर्क कर सकूं, जैसे आजकल मेंटल हेल्थ पे काफी चर्चा होती है, युवा 8-9 साल से ही फेस कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो अगर उनको वो फैसिलिटीज एक यंग एज पर मिल जाए, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, उनका वेलफेयर इतना अच्छा होगा, वो देश की प्रगति के लिए इतना योगदान दे पाएंगे फ्यूचर में, वो काफी ही बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट ले जाएगा देश के लिए। वैभव, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हमारे आसपास हो गए और सबसे ज्यादा जो आप सबके पास है वो है फोन। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप सब युवाओं से जानना चाहती हूँ कि आपने मेंटल हेल्थ की बात की, यस दिस इज ट्रू कि बच्चों में मानसिक परेशानी की समस्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है, आज जैसा अभी आपने कहा कि इसमें परिवर्तन आ सकता है, तो व्हाट विल बी द स्टेप्स, वो क्या स्टेजेस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या करोगे? अगर अभी देखा जाए तो एक युवा पीढ़ी आज के टाइम पे फोन पर हमेशा टाइम स्पेंड करता है, तो अगर वही उनके रूट और अगर वही प्लेटफॉर्म्स उनकी हेल्प के लिए यूज किए जाए तो इट विल डू वंडर्स, उनको इतनी हेल्प मिल पाएगी, बिल्कुल, और वो भी 24/7। फोन आपका है कि आप 24/7 एक्सेस में हो सकता है और आप जब चाहो कुछ सीख सकते हो, कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, ये सब चीज अगर हम फोन से ही देने लग जाए और वो गवर्नमेंट इसमें अगर साथ दे तो हमारा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहोगी शिवानी? मैं वैभव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो हमें लगता है कि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो आप चारों से, मैं आप चारों से मिल चुकी हूँ और आप चार अगले चार को और अगला चार अगले 16 को ऐसे बताएगा कि भाई फोन से जो हमारा रापता है, जो रिश्ता है, वो हमारे सिर्फ भलाई के लिए हो, हमारे हेल्थ इश्यूज ना हो, हमें मेंटल प्रॉब्लम्स ना हो, उसका इस्तेमाल उतना ही हो जितनी ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच, आप सबने अपने अपने विजन्स दिए हैं और आप लोग ही कल एक अच्छे अच्छे पोजीशंस में होंगे, आप लोगों को नौकरी देंगे। जॉय, आपने भी बताया आप क्या करेंगे, शिवानी आप एंड अमीशा वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वेरी गुड। तो आप चारों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सब अपने विजन के साथ उसको और बड़ा करें और लोगों को साथ लाएं और हम नए भारत के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान देख सकें। तो चलने से पहले हम एक और खूबसूरत सा गाना आप सबकी पसंद का सुन लेते हैं और फिर जैसा मैंने कहा, थैंक यू सो मच स्टूडियोज में आने के लिए एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सब कल एक परिवर्तन की मशाल ज़रूर जलाएं और नए भारत जहां हमने अपनी शुरुआत कर दी है उसको और बड़ा और विस्तार और व्यापक रूप दे पाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस मैम। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले,
मंजिल लगे आके गले, हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, air next।